परिवहन कार्यालय में रमेश एक क्लर्क के रूप में काम करता था। वही कस्बे में एक छोटे से घर में किराए पर रहता था। उसके साथ थे बीमार माता पिता शारदा और प्रसाद, और थी उसकी पत्नी अनामिका। सभी एक साथ मिलके वहाँ जीवन यापन कर रहे थे। सर्दियों का मौसम था, फिर भी हमेशा की तरह सुबह 8 बजे से पहले ही वो तैयार हो गया और अपने बीमार माता पिता के पास गया। बिस्तर पे माता पिता सो रहे थे, फिर वो शारदा के पास आकर कहने लगा, माँ आपकी तबीयत कैसी है? पिताजी आप अभी कैसे हैं? तुम हमें माता पिता की तरह नहीं अपने बच्चे की तरह देखभाल करते हो, तो हमें क्या हो सकता है, हम बिल्कुल ठीक है। अरे शारदा, तुम्हारे बेटे तुमसे पूछा तो तुम अपने बारे में बताओ, जब वो मेरे से पूछा है तो मैं बताऊंगा ना, तुम मेरे बारे में क्यों बता रही हो? मुझे लगा हम अच्छे हैं तो कह दिया, वो भी गलती हो गई। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, मैंने बिस्तर पकड़ लिया, फिर भी मेरे ऊपर से तुम्हारा अधिकार नहीं गया। शेर कहीं भी रहे शेर ही रहता है। कुछ कुछ सच्चाई तुम अच्छे से मान लेती हो शारदा। मतलब मैं शेरनी हूँ? नहीं, मतलब तुम जानवर हो। ऐसा कहकर प्रसाद जरा हंसते हैं। उनकी बातें सुनकर शारदा प्रसाद को गुस्से से देखने लगती है। रमेश मुस्कुराते हुए धीरे धीरे हॉल में आ जाता है। अनामिका, अनामिका लंच बॉक्स तैयार हो गया? उसके पूछने पर अनामिका किचन से लंच बॉक्स लेकर आती है। हाँ जी, मैं लेकर आ ही रही हूँ। ऐसा कहते हुए वो लंच बॉक्स लेके हॉल में आती है और रमेश को दे देती है। रमेश लंच बॉक्स ले लेता है, फिर वो अनामिका को देखने लगता है। अनामिका के चेहरे से झलक रहा था कि वो किसी चीज को लेकर परेशान है। रमेश समझ गया कि अनामिका उससे कुछ पूछना चाहती है। अनामिका, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? पूछना नहीं चाहती, बताना चाहती हूँ, कुछ आपको याद दिलाना है। ओ, माँ पिताजी के दवाई खत्म हो गया क्या? हाँ जी खत्म हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं, दवाई नहीं है। हर दिन मैं चाह रही थी आपको याद दिलाना, पर मैं भूल जा रही थी। आज आखिरकार मुझे याद आया तो सोचा कह ही देती हूँ। क्या कह रही हो, दवाई खत्म हुए 3 दिन हो गए हैं अनामिका? हाँ, दवाइयाँ नहीं लेंगे तो क्या होगा मम्मी पापा का, तुम्हें पता है ना? अगर कुछ हो जाता है तो दिक्कत हमें ही होगी, है कि नहीं, तुम बताओ। मैं भूल गई थी जी। देखो अनामिका, चाहे किसी मामले में तुम्हें कुछ याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर माँ पिताजी के बारे में अनदेखा नहीं चलेगा तुम्हारा, तुम्हें ध्यान रखना होगा। मैं कुछ और सोच रही थी और ये बात भूल गई जी। अच्छा ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन दे दो मुझे, रात में ऑफिस से घर लौटते वक्त मैं ले आऊंगा। एक मिनट रुकिए जी। ऐसा कह के वो हॉल से सास ससुर के कमरे में चली जाती है। वहाँ से एक कवर ले आके वो रमेश को दे देती है। अनामिका, माँ पिताजी का ख्याल रखना, कुछ जरूरत पड़े तो कॉल करना। ठीक है जी, ऑफिस जाने के बाद परेशान होके खाना खाना मत भूलिएगा, टाइम से खा लीजिएगा। ऐसा कहने के बाद रमेश भी ऑफिस चला जाता है। अनामिका सास ससुर को खाना खिलाती है, घर का सारा काम काज करती है, फिर सास ससुर के पास आके बैठती है। इसी तरह दिन निकल रहा था, तब रात के 9 बज रहे थे। रमेश तभी भी ऑफिस से घर नहीं लौटा था। अनामिका दरवाजे के पास इंतजार कर रही थी। शारदा प्रसाद सो नहीं पा रहे थे, बेटा रमेश कितनी मेहनत कर रहा है इस बारे में वो बातचीत कर रहे थे। फिर आधे घंटे के बाद बहुत थके हाल में रमेश घर लौट आता है। जाइए आप मुंह धोकर आइए, मैं गर्मा गर्म खाना परोस देती हूँ। माँ पिताजी ने खाना खाया अनामिका? हाँ खाया, आप नहीं लौटे थे तो वो ये सोच कर परेशान हो रहे थे। मिलके आइए और दवाइयाँ वहीं रख दीजिएगा, मैं आपको खाना देके उनको दवाई दे आऊंगी। उसके बातों का रमेश कुछ जवाब नहीं दिया और अपने माता पिता से वो मिलने चला गया। उनके पास जाकर वो कुछ देर उनसे बातचीत किया। बेटे को देखकर दोनों ही निश्चिंत होके आराम से सो गए। वहां से आके रमेश अपने बेडरूम में जाके बेड के ऊपर बड़े परेशानी में बैठा हुआ था। अनामिका रमेश को खाना खाने के लिए बुलाने आती है तो देखती है रमेश बहुत परेशान है। क्या हुआ जी, किस बात से इतने परेशान है? मैं माँ पिताजी के दवाई के लिए उधार मांगने गया था, पर किसी ने एक पैसा उधार नहीं दिया। सब कहने लगे तुम्हारी इतनी कम तनख्वाह में घर में भाड़ा दोगे, राशन पानी लेकर आओगे, माँ पिताजी को अस्पताल लेकर जाओगे, फिर तुम हमारा उधार कैसे चुकाओगे? पैसे देकर हम भीख नहीं मांग सकते ना, इस तरह से कहा अनामिका उन्होंने। पति की ये बात सुनकर अनामिका भी सोचने लगती है कि आखिर में क्या किया जा सकता है। दोनों ही बिना कुछ खाए पिए उस रात वैसे ही सो गए। अगले दिन रमेश माता पिता से बिना मिले हुए ही ऑफिस के लिए निकल गया।
इस बात से शारदा प्रसाद बड़े दुखी हो जाते हैं। अगले दिन अनामिका सॉफ्टवेयर में काम करने वाला छोटा भाई रविकांत को फोन लगा के कुछ पैसों की मदद मांगती है। रविकांत भी तैयार हो जाता है। फिर उस रात अंधेरा होने के बाद जब रमेश घर लौटता है, उसे साथ लेकर वो रविकांत के पास जाती है। वहाँ चारों ओर सॉफ्टवेयर वाले थे। वहाँ खाने के लिए ढेर सारे ठेले लगे हुए थे और हर स्टॉल के पास खाने के शौकीन खड़े थे। वो रविकांत से मिले, उनसे पैसे लिए, फिर दवाइयाँ लेके घर आ गए। शारदा और प्रसाद के पास बैठ के अनामिका और रमेश बातचीत करने लगे। कल जब हम अपने भाई से मिलने गए थे, तब आपने देखा था वहाँ ढेर सारे फूड स्टॉल लगे हुए थे। वैसे भी आपको पता ही है, मैं चिकन सूप बहुत अच्छा बनाती हूँ। मैं सोच रही हूँ वहाँ एक ठेला लगाऊंगी और गर्मा गर्म चिकन सूप बना के वहाँ बेचा करूँगी। आपके तनख्वाह के साथ अगर मैंने भी थोड़े पैसे जोड़ दिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या कहते हैं? ठीक है अनामिका, पर अभी पैसे कहाँ से लाएंगे? मेरे कान के है ना, हम उसे गिरवी रख के पैसे ले लेंगे, फिर जब पैसे आएंगे हम उसे वापस ले आएंगे। ठीक है अनामिका, जरूरत की चीजों का लिस्ट बना के दे दो। फिर जैसा चर्चा की थी, सोने के बालियों को गिरवी रखकर वो पैसे ले आते हैं। फिर परिकल्पना के अनुसार अनामिका सॉफ्टवेयर ऑफिस के पास गर्मा गर्म चिकन सूप बनाकर बेचना शुरू कर देती है। आइए बाबू आइए, सर्दियों में गर्मा गर्म चिकन सूप पी कर जाइए। एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। आइए बाबू आइए। ऐसा कहकर वो चिकन सूप बेचने लगती है। जैसे एक के बाद एक लोगों को पता चलता है, सभी लोग अनामिका के ठेले पर भीड़ लगाने लगते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर अनामिका का चिकन सूप बहुत फेमस हो जाता है, कमाई भी दुगनी हो जाती है। फिर अनामिका अपने सास ससुर को एक अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाकर वहाँ इलाज करवाती है। सिर्फ सर्दियों में ही उसने इतना कमा लिया कि साल भर का गुजारा हो जाए और उस पैसे से वो सभी मिलके खुशी खुशी रहने लगे। उस गांव में शारदा रसोईया के तौर पे बहुत ही प्रसिद्ध थी। अपने पति प्रसाद, बेटा रमेश और बहू अनामिका के साथ वो एक छोटे से मिट्टी के घर में रहती थी। जो उसे आता था वही पकाती थी और उसी से अपना परिवार चलाती थी। इसी तरह अपने काम के दौरान शारदा रेडियो पर पुराने गाने लगाकर उसे सुनते रहती है। शारदा की पड़ोसी सुजाता दीवार पे अपना सर लगा के शारदा को देख रही थी। उसी की पड़ोसी रानी वो भी दीवार पे सर लगा के शारदा को देखने लगती है। सुजाता और रानी दोनों ही शारदा से नफरत करती थी। तभी अनामिका एक पैम्पलेट लेकर बाहर आती है और शारदा प्रसाद के पास जाती है। सासुमा, आपने कुकिंग कॉम्पिटिशन के बारे में सुना? जो जीतेगा उसे 50 लाख इनाम के तौर पे दिया जाएगा। क्या कह रही हो बहू, क्या तुम सच कह रही हो? कुकिंग प्रतियोगिता में जीतने वाले को 50 लाख मिलेगा? फिर तो हमारी जिंदगी ही बदल जाएगी। बहू तुम पूरे नियमों को पढ़ो और समझो, फिर मुझे अच्छे से समझाओ। ठीक है सासू माँ। इतना कहकर अनामिका पेपर को अच्छे से पढ़ने लगी। फिर सास और बहू की बातें सुनकर सुजाता और रानी वहाँ से गायब हो गई। फिर वहाँ से वो दोनों बाहर एक पेड़ के नीचे आकर मिली। अरे सुजाता, तुमने वो सास बहू की बातें सुनी? मैंने सुना, किसी भी हालत में उस सास बहू को प्रतियोगिता हमें जीतने नहीं देना है। अगर वो जीत गई ना तो हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी। हमें मरने की क्या जरूरत, हम शारदा को ही मार डालेंगे। तुम मजाक कर रही हो या सच कह रही हो? मैं मजाक क्यों करूं भला सुजाता, मैं गुस्से से कह रही हूँ। शारदा को मार देंगे, उसे मार के हमें क्या फायदा होगा? जैसे ही तुमने मौत की बात सुनी, लगता है तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। शारदा को मारने से हमारा कोई नुकसान नहीं बल्कि मुनाफा ही होगा। हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और पड़ोस के गांव में हमसे बेहतर कोई रसोईया भी नहीं होगा। इसीलिए वहां जाकर प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर 50 लाख रुपए हम दोनों जीत सकते हैं। फिर हम उस पैसे को समान हिस्से में बांट लेंगे। क्या कहती हो तुम? फिर देर किस बात की, परिकल्पना करो और मुझे बताओ। अगर हम ईर्ष्या और नफरत को बगल में रखें तो शारदा हमसे ज्यादा अच्छा खाना पकाती है। हाल ही में एक शादी में मैंने खाया था। मैंने भी कहीं खाया था, मैंने तो दाल लिया पर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। अच्छा तो फंक्शन में तुम ही थी जो एक बाल्टी भर के लेकर आई थी? चिल्लाओ नहीं, बस नाम के वास्ते ले आई थी। वैसे भी आधा तो तुमने भी लिया था। मैं ली थी, पर क्यों ली थी वो तुम्हें अच्छे से पता है। पता है पता है, क्योंकि शारदा का बनाया हुआ दाल बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसीलिए तुमने लिया था। हो गया हो गया,
तारीफ करना बहुत हो गया। अगर शारदा ने ये बात सुन ली तो वो हमारे साथ खिलवाड़ करेगी। अब तुम मेरी बात समझी? अगर हम खाना पकाते हैं तो लोग निवाला लेते ही मुंह में धो धो करके फेंकने लगते हैं, और जब शारदा पकाते हैं तो लोग बड़े संतुष्ट होके पेट भर के खाते हैं। रानी, हम उसकी तारीफ करने के लिए यहाँ मिलने नहीं आए हैं। 2-3 दिनों के अंदर उसका अंतिम संस्कार भी करना है, ये बात याद रखना। इस तरह दोनों चर्चा करती है, फिर वहाँ से चली जाती है। वहाँ शारदा के घर में अनामिका अच्छे से कुकिंग कॉम्पिटिशन के बारे में पढ़ती है और एक एक बात शारदा को समझाती है। फिर सास बहू इस गरीबी की हालत में कैसे प्रतियोगिता में भाग लेंगे, इसकी चर्चा करते हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन उनके पड़ोसी शारदा और रानी, जब देखा कि घर पे कोई भी नहीं है, वो कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला के शारदा के पास ले आती है और शारदा को पीने के लिए देती है। वो पीते ही शारदा नीचे गिर जाती है। सुजाता और रमणी को लगता है कि शारदा मर चुकी है, इसीलिए किसी को पता ना चले ये सोचकर वो वहाँ से भाग जाती है। उस दिन शाम के वक्त अनामिका, प्रसाद और रमेश घर लौटते हैं। बाहर से ही पता चलता है कि शारदा मर चुकी है। वो बहुत परेशान हो जाते हैं, तीनों रोने लगते हैं। अगले दिन वो शारदा का अंतिम संस्कार करते हैं। सुजाता और रानी मनी मन ये सब देखकर बहुत खुश होती है, पर बाहर से दुखी होने का और मगरमच्छ का आंसू बहाने का अभिनय करती है। अब कुकिंग कॉम्पिटिशन का दिन नजदीक आ जाता है। शारदा ने अपना नाम दर्ज करवाया था और अब वो नहीं है। अनामिका शारदा के तस्वीर के पास खड़ी होकर, सासू माँ, आपने कहा था ये प्रतियोगिता हमारे घर की परिस्थिति बदल देगी, पर इस बीच में आप हमें छोड़कर चले गई। आपने नाम लिखाया, अगर मैं इसमें हिस्सा लेती हूँ तो आपका सम्मान छोटा होगा, मैं आपको नहीं झुकने दे सकती। जब अनामिका ऐसा कही रही थी, तभी अचानक से शारदा का आत्मा वहाँ प्रकट हो जाता है। उसे देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। चिंता मत करो बहू, तुम हिम्मत रख के प्रतियोगिता में हिस्सा लो। मैं तुम्हें एक मसाला दूंगी, हर चीज में इस्तेमाल करना, वही मेरा सीक्रेट है। ऐसा कहकर शारदा अनामिका को एक मैजिकल मसाला देती है। वो देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। मुझे नहीं पता था आप इतनी जल्दी हमें छोड़ के चली जाएंगी माँ जी। मैंने कुछ नहीं किया बहू, वो सुजाता और रानी ने मुझे कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला के पीने को दिया। मुझे लगा उन लोग बदल गई है, मैंने विश्वास करके पी लिया। अब देखो, मैं तुम्हारे सामने आत्मा बन के आज खड़ी हूँ। उनकी बातें सुन के अनामिका को मनी मन बड़ा गुस्सा आया। वो चाह रही थी कि वो जाके उनका कुछ कर ही डाले, पर शारदा उसे रोकते हुए कहती है, नहीं बहू नहीं, अभी अपना ध्यान कुकिंग कॉम्पिटिशन जीतने में लगाओ। उनका जब पाप भरेगा वो भी खत्म हो जाएंगे, ईश्वर सब देख रहे हैं। ठीक है सासू माँ, मैं कुकिंग प्रतियोगिता में जाऊंगी, ये मसाले से ही बनाऊंगी आपने जो दिया है, फिर मैं जीत के आपको जरूर दिखाऊंगी। मैं उन्हें हरा के 50 लाख रुपए आपके तस्वीर के पास ला के रखूंगी, आशीर्वाद दीजिए। इस तरह अनामिका प्रतिज्ञा करती है और उस मायावी मसाले को लेकर अनामिका प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शहर चली जाती है। अनामिका के साथ साथ सुजाता, रानी और भी कई लोगों ने भाग लिया। फिर माइक लेके अनाउंसमेंट होती है कि कंपटीशन शुरू हो चुका है। सुजाता और रानी ने भी बहुत परिश्रम करके खाना पकाया। अनामिका ने जो भी पकाया उसमें वो मसाला मिला दी। आधा घंटा निकल जाता है, फिर कुकिंग कंपटीशन जज करने के लिए वहाँ पे वासुदेव आके सारे पकवान को टेस्ट करते हैं। घोषणा की जाती है कि अनामिका विनर है। ये सुनते ही सुजाता और रानी दोनों ही बेहोश हो जाती है। अनामिका 50 लाख रुपए पुरस्कार के तौर पे जीत के शारदा की तस्वीर के सामने लाके रख देती है। शारदा की आत्मा उस पैसे को देखकर बहुत खुश हो जाती है और थोड़ी देर बाद वहाँ से अदृश्य हो जाती है। अनामिका जाके पुलिस को कंप्लेन करती है। सुजाता और रानी अपना अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, उन्हें जेल भेज दिया जाता है। अनामिका का परिवार उस जीता हुआ पैसे से एक घर खरीदता है, एक गाड़ी खरीदती है और खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है।